गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ बेसिक दो तीन प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर नंबर्स में आपको मैं करवाने जा रहा हूं। अगर आपके पास बोले कि आपको सम फाइंड आउट करना है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, आप क्या करेंगे? 9 + 7 = 16 + 5 = 21 + 3 = 24 + 1 = 25 आप आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर आपके बहुत सारे नंबर आ जाए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 ऐसे लगातार नंबर आपके पास 99 तक नंबर आ जाए, तब आप कैसे करेंगे इनका सम फाइंड आउट करेंगे? तब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको नेचुरल नंबर मतलब ओड नेचुरल नंबर का जो कंटिन्यूअस ऑर्डर में है उनका सम फाइंड आउट करना है, तो आपको बेसिक याद रखना है छोटी सी वैल्यू उनका जो सम होगा वो होगा एन स्क्वेयर, दैट मीन एन की पावर 2। तो आपने काउंट नंबर काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर आपके पास 5 है, तो आप चुपचाप यहाँ पे 5 का स्क्वेयर कर दीजिए। 5 का स्क्वेयर क्या होता है? 25। That mean कि इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा? 25 आएगा। अगर मैं बोलूं आपको कि आपके जो नंबर्स हैं यहाँ पे वो नंबर्स आपके पास है 1, 3, 5, 15 तक चले गए, तो आपने कुछ नहीं करना, काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दैट मीन 8 नंबर्स है, तो आप यहाँ पे 8 का स्क्वेयर कीजिए। 8 का स्क्वेयर क्या होता है? 64। यही आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आपके पास 14 नंबर है, तो इनका सम कितना आएगा? आपने क्या करना है? 14 का स्क्वेयर कर देना। 14 का स्क्वेयर आपके पास क्या होता है? 196 आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, तो आपके पास कितने भी नंबर दिए हों, ठीक है जी, आपको बोल देता है कि 1 + 3 + 5 + 7 + कहां तक चला जाए, सपोज आपको दिया होगा यहाँ पे 99 दिया हो, ठीक है जी, तो इनका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तरीका रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? 1 से लेकर 99 तक नंबर्स है। आप पहले तो देखो कि यहाँ पे पता कैसे करें कि ये आपके ओड नंबर्स कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच के नंबर तो मिस कर दिए मैंने। तो क्या कीजिए, 1 to 100 आप देखिए कि 1 to 100 में आपके पास 50 ओड नंबर्स होंगे, 50 आपके पास क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। दैट मीन कि अगर मैं 1 to 99 काउंट करता हूं तो मेरे पास 50 जो है ना ओड नंबर आएंगे, तो 50 का अगर मैं स्क्वेयर करता हूं तो आपका आंसर क्या आता है? 2500 आएगा। ऐसे यहाँ पे अगर 199 होता तो 1 to 200 आपके पास टोटल नंबर 200 है, इन 200 नंबर्स में आपके 100 इवन नंबर्स होंगे, 100 आपके पास क्या होंगे? ओड नंबर्स होंगे। तो आपने सिंपली नंबर का स्क्वेयर कर देना है, आपके पास क्या जाएगा? उसका नंबर्स का सम आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है कि आपको नंबर दिए हैं 35² - 34² आपके पास दो नंबर हैं जो लगातार 34 के बाद 35, 105 के बाद 106, 310 के बाद 311 आता है, ये दोनों नंबर आपके पास स्क्वेयर की फॉर्म में गिवन है, आपको इनका आंसर निकालना है। ठीक है जी, एक तरीका तो आपके पास क्या होता है, आपको पता होता है a² - b² आप करते हो a + b * a - b, a + b दैट मीन a अगर मैं 35 लेता हूं तो 35 + 34 * 35 - 34, तो 35 + 34 बनेगा 5 / 9 = 69 बनेगा यहाँ पे * 1, दैट मीन इनका आंसर आएगा आपके पास 69 आएगा। ये तरीका आपके पास है। दूसरा तरीका क्या है कि आप 35 का स्क्वेयर कीजिए, ठीक है जी, फिर आप 34 का स्क्वेयर कीजिए, फिर दोनों को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तब भी आपके पास आंसर आएगा। लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि ये दोनों जो नंबर है कंसेक्यूटिव है, लगातार 34 के बाद 35, 105 के बाद 106, आपके पास कोई भी नंबर आपको गिवन हो तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने दोनों नंबर को प्लस कर देना है। दैट मीन 35 + 34 कितना आएगा आपके पास? 69 आएगा। जैसे यहाँ पे 106 + 105 कितना आएगा? ये आएगा 211 आपके पास आएगा, और यहाँ पे आपके पास 311 + 310 आपके पास कितना आएगा? 621 आएगा। ठीक है जी, मेरी बात आपको समझ में आई कि अगर आपके पास लगातार दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं और दोनों के ऊपर स्क्वेयर है और आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली क्या कीजिए, दोनों नंबर्स को क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए, चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। जैसे मैं बोलूं 1001 का स्क्वेयर -100 का स्क्वेयर, ठीक है जी, तो आपने वैल्यू निकालनी तो क्या करो, 101 + 1000, तो 1002 आपका आंसर आएगा, 2001 आएगा। कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, चाहे मैं बोलता हूं यहाँ पे 510 का स्क्वेयर -509 का स्क्वेयर, तो क्या होगा? 510 + 509
नाइन, दैट मीन 9 1 10, ठीक है जी, 1019 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आपने डायरेक्ट नहीं जाना सोल्व करने के लिए, सिंपली चेक किया कि दो लगातार नंबर हैं, दोनों का स्क्वेयर है, तो जिनका आंसर आएगा दोनों क्या कर दो आप प्लस कर देने, ठीक है जी।